हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी आज की इस वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे एनएफएल की रिवीजन सीरीज, जिसका ये पार्ट वन है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो उसको डिस्कस करना चाहिए। तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना हम इसको डिस्कस करें। और मैं बता दूं, जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो आप देखेंगे कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपको एक चैप्टर दिख जाएगा और एक फार्म मैनेजमेंट दिख जाएगा, आपको इन दोनों को कवर करना है टू कवर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और उसी के अंदर आज हमने 60 to 70 एमसीक्यूज ऐड किए हैं, जिसमें भी हम और एमसीक्यूज ऐड करने वाले हैं, तो वहां पे आप इनको जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अभी आज हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हमने कोर्सेज में ऐड कर दिए हैं। बाकी यहां पे भी हम कुछ रिवीजन जरूर करेंगे। सो दोस्तों, यहां पे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक चीज आपके लिए है कि आपको पहले अपने साथ में साइड में देखते जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे और कितने गलत करे हैं। ओके, और मेरे को स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आज हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी रिवीजन सीरीज में हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, 25 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए थे। आगे आने वाली वीडियोज में हम फार्म मैनेजमेंट या फिर रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है या आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप जरूर बताइएगा, हम उसको यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और लास्ट टाइम पे, क्योंकि 17th को एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, तो आपको अभी क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो आई होप कि आप ये सारी चीजें करके जाएंगे, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिक ओरिजिन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो इन्वॉल्व करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। मतलब सिंपल सी अगर हम बात देखेंगे तो जो हम जैसे हम कहते हैं कि मैसूर की सिल्क, तो ये क्या है, वहां का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। जैसे हम कहते हैं जम्मू का या फिर कश्मीर का केसर या फिर कश्मीर का एप्पल, सो ये क्या है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिक ओरिजिन पे उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और इसी के बेसिस पे आप देखिए ज्योग्राफिक इंडिकेशंस भी दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसमें काम करती है। सो यहाँ पे ऑप्शन है मास मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, बल्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो काम करती है वो है नीश मार्केटिंग। सो नीश मार्केटिंग इज बेसिकली अ स्पेसिफिक लोकेशन ओरिएंटेड या फिर स्पेसिफाइड मार्केटिंग। सो ये नीश मार्केटिंग की ही यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में व्हाट डज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? सो सेलिंग प्रोडक्ट आफ्टर द हार्वेस्ट, दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आगे बढ़ते हुए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट जैसे ही हमारा बन जाएगा उसके बाद हम, या फिर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। बाइंग इनपुट से कोई रिलेशन नहीं है। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सोइंग, तो ये हम जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, जिसमें हम बहुत पहले ही सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इवन सोइंग से पहले, तो वो ये वाला ऑप्शन है। बट यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सेलिंग प्रोडक्ट आफ्टर द हार्वेस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग? प्राइमरी फोकस क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का? सो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें चार चीजें होती हैं। एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद उसकी मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कई बार साथ ही चलते हैं, और उसके बाद उसका कंजम्पशन। ओके, सो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने की ये पूरी प्रोसेस होती है, और ये ही पूरी की पूरी मार्केटिंग को ही डिफाइन भी करती है। सो इसीलिए देखेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का ही पार्ट है, और ओवरऑल भी इसको हम मार्केटिंग में ही पढ़ते हैं। सो प्राइमरी फोकस क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, कि हमको जो प्रोड्यूस है या जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो हमको पहले उसे प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, और हमें देखना भी पड़ेगा कि कंज्यूमर को क्या वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें इन्वॉल्व होती है, मार्केटिंग में। तो जो हमारे तीन बेसिक फैक्टर है, ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन का सब पार्ट मान सकते हैं, अदरवाइज ये तीन ही होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। सो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये पूरा का पूरा क्या है, मार्केटिंग का काम। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। ओके, सो मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्रमोशन देखेंगे, एडवर्टीजमेंट, वो एक सेपरेट चीज है, वो भी एक पार्ट है। बट ओवरऑल हम मार्केटिंग की बात वहीं से करते हैं जहां से हमारा प्रोडक्ट शुरू होता है। हम प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते हैं जो कंज्यूमर को चाहिए। सो अल्टीमेट आप देखेंगे यहां से ये प्रोसेस, यहां से ये प्रोसेस, दोनों ही चलती है, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो किस लिए बनता है, कंज्यूमर के लिए। और इस पूरी प्रोसेस को जो असिस्ट करता है वो क्या होती है, मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डज द गवर्नमेंट एम टू अचीव इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग? गवर्नमेंट का क्या रोल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, या फिर क्या एम है? आप ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम इनकम टू द मार्केट, मिडिलमैन बिल्कुल भी नहीं, मिडिलमैन को कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है? सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अगेन अब आप समझ गए हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंज्यूमर, तो हमको इंटरेस्ट दोनों का ही देखना है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी और साथ ही साथ जो कंज्यूम कर रहा है उसका भी। देन ऑप्शन देखेंगे तो एनकरेजिंग फार्मर टू एग्जिट द ट्रेड बिल्कुल नहीं, रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ फूड नो, मिनिमाइजिंग द शेयर ऑफ प्रोड्यूसर इन द कंज्यूमर ओपिनियन, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा, ये वाला भी नहीं है ये वाला। सो सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अगर आप देखेंगे नॉर्मल गवर्नमेंट मार्केटिंग में जनरली कुछ भी नहीं करती है अनलेस की सिचुएशन खराब ना हो, क्योंकि आप देखते हैं नॉर्मल ट्रेड होता रहता है, कुछ लॉ है उनके बेसिस पे सारी चीज चलती है, बट अगर कहीं पे गड़बड़ होती है, जैसे आप देखते हैं कि टोमेटो के प्राइस बहुत ज्यादा हाई चले गए थे, तो फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिक मेजर लेकर आई थी, तो इस टाइप की चीजें चलती है, अगर होर्डिंग हो रही है तो गवर्नमेंट उसको रोकती है। सो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट एम करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू। ओके, सो बेसिकली आप देखेंगे ना, गवर्नमेंट एक्ट एज अ वॉचडॉग टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल सेगमेंट। देन व्हाई इज द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड गुड? तो मैन्युफैक्चर्ड गुड से एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कैसे डिफरेंट कंसिडर किया जाता है? एग्रीकल्चर कमोडिटीज मतलब जो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब हम ये मान लीजिए कि जो हमारी हम इंडस्ट्रीज में बना रही है या फिर किसी भी रॉ मटेरियल को लेकर हम फाइनल गुड को बना रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेकंड है पेरिशेबिलिटी एंड सीजनेबिलिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट, तीसरा है रेगुलर सप्लाई, बल्कीनेस, स्मॉल साइज होल्डिंग। तो आपको काफी रेलिवेंट इसमें ऑप्शन लग रहे हैं, बट आपको बेस्ट चूज करना है सारे ऑप्शन पढ़ के। तो आप उसमें देखेंगे तो जो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है वो मैन्युफैक्चर गुड से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज है वो कैसे पेरिशेबल एंड सीजनेबल ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स, तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डिफरेंट होगा मैन्युफैक्चर गुड की जगह। अभी देखेंगे जितने मैन्युफैक्चर गुड है उनमें कोई सीजनेबिलिटी नहीं, कोई पेरिशेबिलिटी नहीं, अगर वो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोड्यूस भी है तो उसमें भी आप देखेंगे इतनी पेरिशेबिलिटी नहीं होती है। सिंपल से एग्जाम्पल ले सकते हैं टोमेटो सॉस है ना, प्रिजर्वेटिव डाल के उसकी लाइफ बढ़ा दी जाती है। सो दे हैव द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लाइक पेरिशेबिलिटी, सीजनलिटी, जो कि डिफरेंशिएट करता है उसको मैन्युफैक्चर गुड से। बाकी चीजें दोनों में हो सकती है, यूनिफॉर्म क्वालिटी दोनों में हो सकती है, रेगुलर सप्लाई दोनों में हो सकती है, बल्कीनेस भी दोनों में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द मार्केटिंग सिस्टम प्ले इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में मार्केटिंग का क्या सिस्टम है? ऑप्शन देखिएगा अगेन सारे के सारे, इट रिड्यूसेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव तो नहीं ही हो सकता है, इट डिसएनकरेजेस पैकेजिंग, नहीं, मार्केटिंग, तो ये सारी ही चीजें आती है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो ये क्या करता है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इतनी सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है, और इन सब में क्या होगा, अपॉर्चुनिटी बनेगी किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ इन मार्केटिंग? सो अगर हम देखते हैं कि हमारी फोर टाइप की यूटिलिटी की जब भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि किस टाइप की यूटिलिटी बनती है जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंपल सी चीज है, टोमेटो था, आप टोमेटो नॉर्मल भी खरीद सकते थे, बट उसको कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्री में और उसका सॉस बना दिया या फिर केचप बना दिया, तो ये हमने क्या किया, कौन से टाइप की यूटिलिटी हमने क्रिएट की है? तो हमने क्या करा, वन फॉर्म से इसको चेंज करके दूसरा फॉर्म बना दिया है, टोमेटो रॉ फॉर्म में था उसको हमने सॉस फॉर्म में चेंज कर दिया, और साथ ही साथ क्या बनाई, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता। देखिए टोमेटो की उपयोगिता भी है, सॉस की भी है, बट अभी हमने क्या किया, अभी हम ये नहीं कह सकते किसकी ज्यादा है किसकी कम है, बस हमने क्या किया, हमने दोनों फॉर्म में उसको अवेलेबल करा दिया या फिर टोमेटो से उसको सॉस फॉर्म में अवेलेबल करा दिया। तो उसकी कौन सी यूटिलिटी हमने चेंज की, हमने कौन सी बेसिकली क्रिएट की, हमने फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट की है। प्लेस, टाइम, पोजीशन को अगर हम बात करेंगे, सिंपल सी टोमेटो का एग्जांपल लीजिए, टोमेटो अगर हम कहें कि उत्तराखंड में प्रोड्यूस हो रहा है, केरला में नहीं हो रहा है, तो अगर हम एक जगह से ट्रांसपोर्ट उसको दूसरी जगह कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्लेस यूटिलिटी। देन टाइम, अगर हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में गर्मियों के सीजन में टमाटर होता है, इस बार आपने देखा टमाटर गर्मियों में महंगा हुआ था और उत्तराखंड के कुछ फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ, इसीलिए हुआ कि बाकी टाइम तो सर्दियों में बाकी कंट्री में प्रोड्यूस होता है बट उत्तराखंड में गर्मियों में प्रोड्यूस होता है। सो हमने देखा कि खरीफ में है और हमने उसको स्टोर कर दिया और हमने उसको प्रोवाइड करा रबी में, तो हमने उसको क्या बनाई, उसकी टाइम यूटिलिटी। देन पजेशन यूटिलिटी क्या होती है, फार्मर के पास था, फार्मर से किसी मिडिलमैन ने खरीद लिया
और फिर मिडिल मैन से किसी होलसेलर ने खरीद लिया, होलसेलर से किसी रिटेलर ने खरीद लिया, तो ये क्या हो चेंज हुई, पजेशन। पहले ओनरशिप किसके पास थी, फार्मर के पास, फिर ओनरशिप किसके पास आई, मिडिल मैन के पास, फिर किसके पास, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, तो ये कैसी यूटिलिटी है, पजेशन। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, ये फॉर्म यूटिलिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा, दिखते बहुत ईजी है, हो गलत जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखे चलिए। ओके, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन इन मार्केटिंग प्राइमरली एड्स टू प्रोडक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रांसपोर्टेशन से क्या है, एक जगह से हमने दूसरी जगह प्रोड्यूस को ट्रांसफर किया, सिंपल सी बात है। केरला में कोकोनट बहुत होते हैं, हमने उसको उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में तो कोकोनट नहीं होते, उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो हमने क्या बेसिकली किया है, तो हमने उसमें क्या किया, प्लेस यूटिलिटी को चेंज किया है। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या ऐड होती है, प्लेस यूटिलिटी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन इन द मार्केटिंग। सो प्राइमरी रोल क्या है बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का। सो अगेन ये क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिए, क्रिएटिंग द फॉर्म यूटिलिटी, एनहांसिंग द टाइम यूटिलिटी, पजेशन यूटिलिटी, एडिंग प्लेस यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन यूटिलिटी। बाइंग एंड सेलिंग से क्या हो रही है, ओनरशिप चेंज हो रही है, जो प्रोड्यूस पहले प्रोड्यूसर के पास था वो कंज्यूमर के पास आ गया है। क्या चेंज हुआ, उसकी पजेशन यूटिलिटी चेंज हुई है। तो ये आप देखिए, जनरेटिंग पजेशन यूटिलिटी, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल तरीके से पूछा जा सकता है, और हम बहुत बार गड़बड़ करके आते हैं। ओके, ये मत सोचिएगा, क्योंकि जब हम, मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब मॉक टेस्ट देते हैं, वीडियो देखते हैं, चीजें इजी लगती हैं, एग्जाम में हमको वही चीज डिफिकल्ट लगती है। ओके, तो इसको समझिएगा, ये क्या है, पजेशन यूटिलिटी। व्हाई इज द मार्केटिंग कंसीडर्ड एज एन इजेंशियल पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। मार्केटिंग को ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस, मैंने जो आपको बताई ना, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, उसको हम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों करते, क्यों कहते हैं। मार्केटिंग इंक्रीजेस द प्रोडक्शन यूटिलिटी, हाँ ये तो होता ही है। एड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट कह सकते हैं, रिड्यूसेस द नीड फॉर यूटिलिटीज, ये तो नहीं होता है। मार्केटिंग इज अनरिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी नहीं है। मार्केटिंग कंप्लीट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय क्रिएटिंग यूटिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कई बार क्या होता है ना, आप देखिए, हमको नहीं पता कोई प्रोडक्ट है, बट मार्केटिंग से हम क्या करते हैं, हम इंसान को या किसी भी पर्सन को ये फील कराते हैं उसकी ये जरूरत है। ओके, सो हमने क्या क्या बना दी, उसकी उपयोगिता बना दी। तो हमने क्या क्रिएट किया, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है, हम, और फिर जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम प्रोड्यूस भी क्या करेंगे, यूटिलिटी को। सो द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज द प्रोडक्शन। सो मार्केटिंग कंप्लीट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय क्रिएटिंग यूटिलिटीज। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम चलते हैं, ओके, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विलेज मार्केट। थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चंस है। अब हम मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि विलेज मार्केट की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए, मेजर ट्रांजेक्शन अमंग द सिटी बायर्स एंड सेलर, सिटी वर्ड आ गया तो ये सही नहीं है। ट्रांजेक्शन मेनली बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स, बाकी पढ़ लेते हैं। मेट्रोपोलियन सिटीज नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड नहीं, हैंडलिंग ऑफ कमोडिटीज इन लार्ज क्वांटिटी। अब आपको लग रहा है यार ये भी तो सही है और ये भी सही है, बट हमको क्या यहाँ पे मोर एग्जैक्ट आंसर देखना है। तो ट्रांजेक्शन मेनली बिटवीन द प्रोड्यूसर, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि हम विलेज की बात करें, सारे फार्मर, तो फार्मर क्या है, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर से वो ना तो होलसेल मार्केट में बेच रहे हैं, ना ही वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं। वो किसको बेच रहे हैं, जो फर्दर ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये ट्रेडर को बेच रहे हैं, तो प्रोड्यूसर से ट्रेडर को जाना है, इस प्राइमरी ट्रेडिंग है, ये कहाँ पे होती है, विलेज मार्केट में यही होती है। और ये जो ट्रेडिंग होती है डेफिनेटली, बल्कि अगर ये एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लासीफाई नहीं किया है, तो हम अपने मन से नहीं कह सकते कि क्वांटिटी लार्ज है, हो सकता है क्वांटिटी कम भी हो, कुछ दूसरी चीज हो। ओके, सो नेक्स्ट इज द विच टाइप ऑफ मार्केट डज द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज टुक प्लेस इन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फ्यूचर की बात की है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी टेक्स प्लेस ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। अब ऑप्शन देखिए, विलेज मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, टर्मिनल मार्केट, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। तो अभी हमने क्या बोला था कि हम एग्रीमेंट करते हैं कि सेलिंग हम कब करेंगे, प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग के बाद, जो सेकंड क्वेश्चन था। तो ये क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फॉरवर्ड मार्केटिंग। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी होगा एक स्पेशल फ्यूचर डेट में, मतलब आफ्टर द हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस सेकेंडरी होलसेल मार्केट। तो अभी हमने प्राइमरी ट्रेडिंग की बात की थी, या प्राइमरी होलसेल मार्केट की बात की थी, जिसमें ट्रेड किसके बीच में था, प्रोड्यूसर से ट्रेडर के बीच में। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एलोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, कहीं भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स, देखिए प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स, तो ये तो फिर सेकेंडरी की बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता। दे आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये इसका कुछ नहीं कह सकते। ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द विलेज ट्रेडर्स एंड द होलसेलर, जो विलेज मार्केट में ट्रेड हुआ प्रोड्यूसर और विलेज और ट्रेडर के बीच में, अब उसको विलेज ट्रेडर किसको देगा, फर्दर होलसेलर को। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सेकेंडरी होलसेल मार्केट में किसके बीच में होता है, सेकेंडरी ट्रेडिंग भी हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ईनएम में भी सेकेंडरी ट्रेडिंग, मतलब जिसने फार्मर से ले लिया है, अब वो आगे फर्दर सेकेंडरी ट्रेड करेगा। ओके, सो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी होलसेल मार्केट।
ओके, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन ओलिगोपोली मार्केट. अब ये कह रहा है कि ओलिगोपोली मार्केट को कौन डिस्टिंग्विश करता है, और ओलिगोपोली मार्केट ये सारी चीज हम बेस किसके बेसिस पे देखते हैं, बेस्ड ऑन द कंपटीशन. कंपटीशन के बेसिस पे हम इसको देखते हैं, और जब हम कंपटीशन के बेसिस पे देख रहे हैं तो हम बाकी चीजों को थोड़ा सा कॉन्स्टेंट मानते हैं. जैसे मैंने आपको एक वीडियो में भी शॉर्ट्स में भी बताया था, मैं जब भी पूछता हूँ कि मोनोसोनी का आंसर बताइए, तो मेरे को मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ऐसा एग्जाम्पल मतलब जहाँ पे सिंगल बायर है, और वो क्या सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक ही बायर है दूसरा है ही नहीं. तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देते हैं सर डिफेंस इक्विपमेंट्स. अरे भाई डिफेंस इक्विपमेंट्स कैसे, डिफेंस इक्विपमेंट्स फिर कहते हैं कि सर इंडिया की गवर्नमेंट ही खरीद रही है. अरे इंडिया की गवर्नमेंट खरीद रही है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खरीद रही है, चाइना की गवर्नमेंट भी खरीद रही है, बांग्लादेश की भी खरीद रही है, श्रीलंका की भी खरीद रही है, तो सारे ही खरीद रहे हैं, फिर तो मोनोपसोनी कैसे आ गई. तो क्या है कि ना हम जब कंपटीशन के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं उसको. तो हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट एक मार्केट में मोनोपसोनिक हो दूसरे में ना हो. अगर हम कहेंगे कि इंडियन मार्केट में, सो इंडियन मार्केट में ये एग्जाम्पल मोनोपसोनिक का होगा, बट अगर हम कहेंगे वर्ल्ड मार्केट, तो फिर वर्ल्ड मार्केट में ये एग्जाम्पल मोनोपसोनिक का नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में हर एक कंट्री फिर बायर हो जाएगी. ओके, सो इसलिए ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, और जनरली हम जब ये कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं बाकी चीजें कॉन्स्टेंट है. ओके, सो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. मोर देन टू बायर इन ऑफ अ कमोडिटी, टू बायर, बायर मतलब मोनोपसोनी वाली, सोनी वाली कंडीशन हो गई, तो टू बायर है तो डू ऑफ सोनी हो गई बेसिकली. एग्रीमेंट बिटवीन द टू सेलर टू चार्ज अ कॉमन प्राइस, दो सेलर के बीच का एग्रीमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है. लार्ज सेल नंबर ऑफ सेलर्स डीलिंग इन द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो ये अलग कंडीशन होगी. सोल कंट्रोल ओवर क्वांटिटी ऑफ प्राइस मोर देन टू बट फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, तो यहाँ पे ये करेक्ट है कि दो से ज्यादा बट कुछ ही है, हम बहुत सारे भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिर वो परफेक्ट मार्केटिंग, परफेक्ट मार्केट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टराइजेस अ डुओपसोनी मार्केट, तो क्या कौन सी है जो डुओपसोनी मार्केट को कैरेक्टराइज करती है. डुओपसोनी मार्केट अभी हमने बात करी थी, सोनी जहां पे भी लगा होगा वहां पे मतलब बायर की बेसिस पे बात होगी, और डुओप लगाया तो डुओ लगाया तो मतलब टू है. सो ऐसी कंडीशन जहां पे टू ही बायर है, ओनली टू बायर्स ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट, इन अ मार्केट हम बात करेंगे, मार्केट कुछ भी हो सकती है, मेरे लिए मेरे घर की जो शनि बाजार लगता है वो भी एक मार्केट है, उसके बाद मेरी सिटी में जो बड़ी मार्केट है वो भी एक मार्केट है, तो हम दोनों को नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि एक जगह पे एक कॉमोडिटी की एक ही शॉप हो बट दूसरी मार्केट में उसकी 10 शॉप हो, है ना, ये होता ही है जनरली, तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक मार्केट में. तो यहाँ पे क्या है, टू बायर्स है. ओके, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो आर द प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स दैट परफॉर्म्स द वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड सेल द सरप्लस ईदर इन द विलेज और इन द मार्केट. ये पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केटिंग फंक्शंस करते हैं और जो अपना सरप्लस है वो चाहे मार्केट या विलेज कहीं भी बेचे वहां बेच देते हैं, तो इन्हें क्या हम कहते हैं, होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर, ब्रोकर, मिडलमैन. तो कौन है भाई जो प्रोडक्शन कर रहा है या फिर जो प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसी की बात हो रही है कि जिसने मार्केटिंग फंक्शंस करना है और सेल करना है, तो किसकी बात हो रही है, प्रोड्यूसर की ही बात हो रही है. अगर आप नॉर्मल में देखेंगे तो फार्मर की यहाँ पे बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन माइट द मार्केटेड सरप्लस शुड बी मोर देन द मार्केटेबल सरप्लस. अब दोनों में क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस क्या है, मार्केटेबल सरप्लस इज द टोटल प्रोड्यूस विच फार्मर इज एबल टू सेल, वो बेच सकता है, ठीक है. और मार्केटेड क्या होता है, मार्केटेड जो उसने एक्चुअल में सेल किया, एक्चुअल में सेल किया. जैसे कंडीशन देखिए, किसी फार्मर के पास मान लीजिए उसके पास 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुआ. ओके, 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुआ, उसने कहा कि 2 क्विंटल तो मुझे अपने लिए चाहिए ही चाहिए. अब वो 98 क्विंटल को सेल कर सकता है, तो उसका मार्केटेबल क्या है जो उसको, जिसको सेल कर सकता है, दिस इज 98 क्विंटल. अब इसमें जो मार्केटेड है, मार्केटेड क्या है जो उसने एक्चुअल में किया, हो सकता है कि वो कहे कि भाई 98 क्विंटल मुझे आज बेचने की जरूरत नहीं, मैं 6 महीने बाद बेचूंगा, और अभी मैं सिर्फ 48 बेचता हूँ, बाकी मैं 50 बाद में बेचूंगा. तो ये क्या हो जाएगा कि जो उसने एक्चुअल में बेचा वो कितना बेचा, 48. तो जो एक्चुअल में सेल किया वो मार्केटेड होता है, मार्केटेबल. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे कि मार्केटेड सरप्लस ज्यादा है मार्केटेबल से, मतलब जो एक्चुअल में जो वो मार्केटेबल मार्केट कर सकता था उससे भी ज्यादा उसने बेचा. मतलब आप देखिए कि उसकी कुछ कंडीशन ऐसी रही कि उसके उसको 2 क्विंटल अपने लिए भी चाहिए था बट उसने वो भी नहीं रखा और सारा का सारा बेच दिया, है ना. सो ऑप्शन देखते हैं, लार्ज फार्मर रिटेनिंग सरप्लस, डिस्ट्रेस और फोर सेल, फार्मर सब्स्टिट्यूटिंग क्रॉप्स, पेरिशेबल कमोडिटी, फार्मर्स रिटेनिंग प्रोड्यूस फॉर लेटर सेल्स. यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रेस और फोर्स सेल.
मार्केटेबल से भी, मतलब मार्केटेबल से भी ज्यादा, जितनी उसको बेचना था उससे भी ज्यादा उसने बेच दिया, तो क्या था, डिस्ट्रेस और फोर्स सेल है। कुछ ना कुछ उसकी ऐसी कंडीशन है कि उसको इमीडिएट कैश की जरूरत है, जिससे कि उसने डिस्ट्रेस सेल किया है। अब देखिए, इन विच कंडीशन माइट द मार्केटेड सरप्लस विल बी लेस देन मार्केटेबल सरप्लस। अब जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई, है ना, अभी हमने जो पढ़ा था उसके जो अपोजिट हमको दिखेगा, लार्ज फार्मर रिटेनिंग सरप्लस नहीं हो सकता, डिस्ट्रेस, हाँ लार्ज फार्मर, ये यही ऑप्शन सही है, लार्ज फार्मर रिटेनिंग द सरप्लस। लार्ज फार्मर है, अभी उसको पता है कि 98 क्विंटल है जिसको वो बेच सकता है, वो कहेगा कि मेरे को अभी क्या बेचना है, मैं 48 क्विंटल ही यहाँ पे बेचता हूँ, 50 में बाद में बेचूंगा। तो मतलब मार्केटेड सरप्लस इज लेस देन द मार्केटेबल। मार्केटेबल कितना था, 98, पर मार्केट कितना किया, 48 क्विंटल। ओके, सो ये क्या है, लार्ज फार्मर रिटेनिंग सरप्लस। ये कौन कर सकता है, जिसने उस सफिशियंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया है, डिस्ट्रेस वाला नहीं हो सकता फार्मर, ये ऑप्शन नहीं सही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक मोटिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ जो मैं हमेशा चलता हूँ, और मेरा उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, मेरे टाइम की भी बहुत वैल्यू है, क्यों ना हम अपना टाइम बचाएं। अननेसेसरी बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके चीजों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लास्ट टाइम पे हम बहुत डिटेल में भी पढ़ाते हैं, हमारी लाइव क्लास में हम छोटे से टॉपिक को बहुत लंबे टाइम में पढ़ाते हैं, बट वो हमेशा डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना। अभी जैसे हमारी 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें 15 क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, जिस वजह से कभी कभी आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर देते हो कि सर कहाँ आपकी ट्रेन छूट रही है टाइम। बट अब आप समझ सकते हो कि हर किसी की चीजें अलग अलग हो सकती है। ओके, मेरा क्या मोटिव है मैंने आपको बता दिया, भले ही आपको पसंद ना आए। व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक मोटिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत है, कोऑपरेटिव जब भी बात आ गई तो उसका एक ही आंसर होगा, वो भी अभी हम देखेंगे। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल फार्मर, सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल इन द हैंड ऑफ ट्रेडर, इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर द मेंबर, कंपीटिंग विद द लार्ज, अचीविंग मोनोपोली। तो यहाँ पे अगेन क्या है, जो इंडिविजुअल फार्मर है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो कॉपरेशन क्या है, जो बहुत सारे फार्मर्स एक साथ आके कॉपरेट कर रहे हैं, वो क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल फार्मर। इन द मार्केटिंग मिक्स व्हाट डज द प्लेस रेफर्स टू, हम देखते हैं फोर पीस क्या होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आज नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आपको चाहिए कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डिस्कस करूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो इन द मार्केटिंग मिक्स व्हाट डज द प्लेस रेफर्स, ए द फिजिकल लोकेशन ऑफ कंपनी हेडक्वार्टर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चर प्रोसेस। तो अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको लगेगा बी ही सही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर। तो प्लेस क्या है, बेसिकली प्लेस हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुंचे, या फिर जहां हमारा कस्टमर बेस अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस, उस प्लेस तक पहुंचाना। आपको कोकोनट उत्तराखंड में बेचना है तो हमारे पास प्लेस क्या होगा, मार्केटिंग में जब हम फोर पीस की बात करेंगे तो हम प्लेस डिसाइड करेंगे, प्लेस क्या होगा, उत्तराखंड। ओके, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइस एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स, फोर पीस में दूसरा पी प्राइस, वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट द सैलरी, प्रमोशनल बजट, फोकस द प्रोडक्ट डिजाइन। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है कि हम प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल में कितना प्राइस देंगे, क्योंकि हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसका प्राइस भी फिक्स करते हैं ना। हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने कहा कि हमारा ये कोर्स है, इसके लिए आप कितना पे करेंगे, है ना। सो अगेन ऑफरिंग्स पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, तो हम उसके बेसिस पे एक प्राइस को फिक्स कर देंगे, और वो प्राइस क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी जो कस्टमर तैयार होंगे पे करने के लिए फॉर द प्रोडक्ट, है ना। सो ये क्या है, प्राइस एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस डज द कोऑपरेटिव मार्केटिंग कन्फर्स ऑन फार्मर्स इन टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग स्ट्रेंथ। सो बेसिकली कोऑपरेटिव से बार्गेनिंग स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। सो पहले एक फार्मर था, उसके पास 20 क्विंटल थे, उसके क्या फर्क पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, है ना। मार्केट में गया, उस जिस भी प्राइस से मिल रहा था उसको वो प्राइस पे देना पड़ेगा। बट आप देखेंगे अगर कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब 200 फार्मर्स है, तो अब इनके पास हर एक इंडिविजुअल का 20 भी अगर आप 10 भी देखेंगे, सो ये 2000 क्विंटल हो जाएगा। सो अब उनके पास क्या है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। सो ये क्या कर रहा है, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेगा, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ये होता ही है। तो इसलिए इजी दिखने वाले क्वेश्चंस भी हमारे गलत
गलत होते हैं क्योंकि हमारी डिफरेंट काइंड की अंडरस्टैंडिंग उस समय चलती है. ओके, व्हाट रोल डू द ब्रोकर्स प्ले इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग? ब्रोकर्स क्या रोल प्ले करते हैं? हाउ दे डिफर फ्रॉम द कमीशन एजेंट? कमीशन एजेंट से कैसे डिफरेंट है? दे डायरेक्टली बाय एंड सेल गुड्स, प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेशलाइज, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव. सो बेसिकली क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज विदाउट फिजिकल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट. इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की ओनरशिप किसी और के पास है. आप देखिए, जैसे आप मकान खरीदते हैं, एक बायर है, एक सेलर है, उसके बीच में एक ब्रोकर है ना. ये सेलर के पास प्रोडक्ट है फिजिकल, इसी के पास है, और ये बाद में इसके पास लाया, इसका कोई रोल नहीं, बस इसने इन दोनों को मिलाया है, तो ये ब्रोकर है. तो ये क्या करता है, विदाउट फिजिकल कंट्रोल होने के बावजूद भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेजेस डज अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज? कोऑपरेटिव मार्केट का क्रेडिट फैसिलिटीज से क्या रिलेशन है? ऑप्शन देखेंगे, इजीली आप समझ जाएंगे. बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डायरेक्ट डीलिंग, प्रोविजन ऑफ इनपुट कंज्यूमर, easier and cheaper transport, provides credit to save farmer from the immediate selling. तो ये generally होता है. अब ये किसी भी cooperatives आप देखेंगे ना, चाहे IFFCO की बात करते हैं हम, कोई भी cooperative है तो वो अपने members को क्या करता है कि चलिए ठीक है आप अभी input ले लीजिए, बाद में पैसे दे देना, या फिर और भी different different types से help करता है. तो credit से related है, तो ये relatively easy ही रहा होगा, but cooperative के questions को बहुत easily और अच्छे से पढ़ के answer कीजिएगा. Next question है, which market functionary provides services such as loading, unloading, cleaning, sieving, bag, stitching? अब यहाँ क्या पूछा है, मार्केट फंक्शनरी कौन सी है? एक मार्केट फंक्शनरी का क्वेश्चन कौन सा पूछा था, प्रोड्यूसर वाला, कि कौन यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है ये सारी चीजें. यहाँ पे पूछा है लोडिंग अनलोडिंग क्लीनिंग सीविंग बैग स्टिचिंग कौन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ब्रोकर, वेमैन, लेबरर, ग्रेडर, रिटेलर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, लेबरर. तो ये सारे लोडिंग अनलोडिंग क्लीनिंग का काम ये सारा कौन करते हैं, लेबरर्स करते हैं. सो यहाँ पे हम इसको कौन सा मार्केटिंग फंक्शनरी बोलते हैं, लेबरर्स. ओके, so this is all for the agriculture marketing so far. इसके अलावा हम कहेंगे आपसे कि आप mock test जरूर दीजिए क्योंकि आपके पास time कम है, और जितने भी students इसके eligible हैं क्योंकि यहाँ पे post graduation required था, so थोड़े से students कम होंगे, but again competition तो competition है, और competition है ही. NFL no doubt एक अच्छी job है, बट आपको उसके लिए अभी अच्छे से प्रिपेयर करना है. मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, रिवाइज कीजिए, ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इसी टॉपिक के 60-70 क्वेश्चन अभी हमने अपलोड किए, इसके साथ साथ आने वाले दिन में हम उसमें और भी इसमें एडिशन करेंगे. सो वो आपको आपके कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट के अंदर मिल जाएगा, आप उनको जरूर करके जाइए. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.